सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? यहाँ पे हो चुकी है भाई एक प्यारी सी सुबह आर्क सर्वाइवल में। और भाई मैं यहाँ पे अभी नहाने जा रहा हूँ। बाकी ये मेरा घर है भाई, छोटा सा झोपड़ी टाइप का। और मैं यहाँ से भाई अभी कूदने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग गई है। और खाना वगैरह तो है मेरे पास। बाकी भाई अभी चलते हैं अपने बेस पर जल्दी से। तो भाई यहाँ पे देख लो, मैंने ये छोटा सा अपना एक बेस बना लिया है और इसके अंदर भाई मेरी थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जल्दी से। तुम इसे थोड़ा सा अपडेट कह सकते हो, अपडेट टाइप का। यहाँ पे मेरा बेड है, चेस्ट है और एक और चेस्ट है जिसके अंदर वही फालतू का सामान भाई। यहाँ पे थोड़ा सा चिटिन वगैरह पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक मोर्टार एंड पिस्टल बनाया है, इसके अंदर नार्कोटिक वगैरह बन रहे हैं हमारे। तो यही है भाई हमारा छोटा सा घर। अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वगैरह तो नहीं किया है, लेकिन ठीक है भाई, अच्छा खासा प्रोग्रेस हो चुका है हमारा। बाकी लेवल 12 का हो चुका हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पास 3 सैडल्स, वही भाई अपने 10 लेवल पे जो 3 सैडल अनलॉक होते हैं वो हो चुके हैं। तो देखते हैं भाई, पैरासोर टेम करने का ट्राई करते हैं आज। देखते हैं टेम कर पाते हैं कि नहीं। कोई अच्छे हाई लेवल का मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा कुछ टेम कर लेंगे भाई, कार्बोनेमिस टेम कर लेंगे। बाकी भाई मैं थोड़ा सा खाना ले लेता हूँ। और मैं ना भाई पैरासोर ढूंढ रहा था, तो मैं बहुत जगह ढूंढ चुका हूँ। मुझे भाई 25 से 30 लेवल तक के ही मिले हैं, उससे हाई लेवल का पैरासोर अभी तक तो नहीं दिखा। तो अभी ना मैं एक दूसरी तरफ जाने वाला हूँ, देखते हैं वहाँ पे अगर एक अच्छा खासा पैरासोर मिल गया हाई लेवल का तो हम उसको टेम कर लेंगे। तो मैं अभी उस तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे एक थेरी भी है, बस वो मेरे ऊपर एग्रो ना हो जाए वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थेरी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है भाई, मैं उसकी स्पीड मैच नहीं कर पाऊँगा और वो मेरी बैंड बजा देगा। वैसे मैं बहुत बार मर चुका हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी भाई एपिसोड में मरना अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ पे 50 लेवल का ये, ऑल राइट, अब तक का भाई सबसे हाईएस्ट लेवल का पैरासोर है। इससे पहले मुझे भाई 30 लेवल से आगे के दिखे ही नहीं। वैसे तो 150 लेवल के होते हैं भाई पैरासोर, क्योंकि हमारा मीडियम डिफिकल्टी है। लेकिन भाई चलो 50 लेवल वाले को ही टेम कर लेते हैं, अभी हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। वैसे भी आर्क में तुम जो भी डायनो ढूंढोगे वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, उसके अलावा बाकी सारे डायनासोर दिख जाएंगे तुम्हें। चलो भाई मैं इसी को टेम करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। और वैसे यहाँ पे थेरी भी है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी भाई, थेरी से बचना पड़ेगा। चलो बोला वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये भाग नहीं पाएगा भाई, चारों तरफ से पहाड़ है तो ये पहाड़ों में ही अटका रहेगा। और मैं इसको इजीली नॉक कर दूंगा यहाँ पे। भाई तुम लोग इसकी हेल्थ देखो, 360 से सीधा 30 पे आ गई और अभी तक ये नॉक नहीं हो रहा गाइज। भाई मैं क्या करूँ इसका, भाई ये तो मर जाएगा। 12 की हेल्थ हो गई है गाइज लिटरली। और मेरा ये जो क्लब होता है वुडन क्लब, वो यहाँ पे टूटा हुआ है। मैं वुडन क्लब से थोड़ा सा मार लूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको स्लिंग शॉट से मारा तो भाई वो तो टपक जाएगा। खैर देखते हैं वुडन क्लब से नॉक होता है कि नहीं। भाई 12 की हेल्थ है, मैं क्या ही इसको मारूँ। भाई ये क्या हो रहा है यार, स्लिंग शॉट से तो ईजिली नॉक हो जाते हैं डायनोस, पता नहीं ये कैसे नहीं हो। ओके हो गया हो गया हो गया गाइज, हो गया भाई। 15 की हेल्थ बची है भाई, कोई चींटी वगैरह भी आकर के इसको मार देगी ना तो भाई ये तुरंत टपक जाएगा। चलो कोई नहीं, फाइनली नॉक तो हुआ है और पहाड़ के ऊपर हुआ है, अच्छी बात है भाई, एक पत्थर के ऊपर नॉक हो गया। चलो भाई इसको जल्दी से दे देते हैं बेरीज वगैरह, ताकि भाई ये अपना आराम से टेम होता रहे। 50 लेवल का है तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी भाई टेम करने में, 5% टेम हो चुका है इजीली। और ओके एक बार में 3% के आसपास टेम हो रहा है, इजीली टेम हो जाएगा भाई, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार मुझे इसे नार्को वगैरह खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये टेम हो जाएगा। तो गाइस अभी ना मुझे एक मिशन कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे पहले थोड़े से नार्कोटिक वगैरह बना लेता हूँ, ताकि भाई मैं उस पैरासोर को बेहोश रख सकूँ। और साथ ही साथ मुझे अपने एक मिशन को भी कंप्लीट करना है, जिसके अंदर भाई मुझे 3 डिलोफोसोरस को किल करना होगा और उसके बाद मुझे एक असेंडेंट लेवल का बो मिलेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है वो, तो वो मुझे चाहिए। और सबसे पहले उस क्या बोलते हैं भाई पैरासोर को जल्दी से नार्कोटिक दे देते हैं। 2 नार्कोटिक इनफ होंगे भाई इसको बेहोश करने के लिए, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग तो रहा है। देखते हैं भाई कितने में ये बेहोश हो जाता है पूरी तरह।
ओके, दो से तो काम हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दो से काम हो जाएगा हमारा। ज़्यादा नारकोटिक है नहीं मेरे पास। और ये रहा भाई हंट डिलोफोसोरस का परसूट, इसको कंप्लीट करने से मुझे एक असेंडेंट लेवल की बो मिलेगी, बहुत तगड़ी होने वाली है। देखते हैं भाई कितनी तगड़ी मिलती है हमें, बस हमारे लक पे डिपेंड करता है भाई। अच्छी खासी मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो भाई पैरासोर यहाँ पे अपना टेम हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं और अब चलते हैं भाई ढूंढने के लिए हमारे डिलोफोसोरस वगैरह। ऑलराइट गाइस, तो मैप में यहाँ पे दिखा तो रहा है कि एक डिलोफोसोरस है यहाँ पे। और ओके, अंडा दिखा भाई मुझे डिलोफोसोरस का। ओके, मतलब इधर ही है, अंडा उठा लेता हूँ, खुद ही आ जाएगा मेरे पास। आ जा भाई, कहाँ है भाई, अभी तक नहीं दिखा। और यहाँ पे एक मोस्चॉप है, इसको टेम कर लूँ क्या मैं? खैर अभी डिलोफोसोरस को ढूंढते हैं, पैरासोर को टेम करते हैं, बाद में मोस्चॉप वगैरह टेम कर लूँगा। ओके ये रहा भाई, फाइनली हमारा पहला डिलोफोसोरस मिल गया, बस 3 मारने का। इस बहुत इजी मिशन है, बस इन डिलोफोसोरस को पास आने से पहले ही टपका दो, वरना ये तुम्हें टपका देंगे। तो चलो भाई इसको मैं अपना शिकार कर ही लेता हूँ, इसका पूरा मीट वगैरह हार्वेस्ट कर लेता हूँ। बाकी भाई मुझे एक ही चीज़ का डर लग रहा है, वो है रैप्टर का। ओके, डेंजर का साइन आ गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। भाई जिस बात का डर था वही हो गया, एक रैप्टर मेरे पीछे पड़ा है। और भाई मैं इस कछुए के ऊपर उसको एग्रो करने का ट्राई करता हूँ। ऑल राइट भाई, यही होता है जब एक रैप्टर तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तो भाई इजी पीजी मार दिया गाइस उसने, एक बार भी छोड़ा नहीं, मतलब एक बार दबाया और ख़त्म भाई, क्या ही कर सकते हो, रैप्टर पीछे पड़ जाएगा तो भाई ख़त्म है कहानी। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी इन्वेंट्री लूटने वापस आ चुका हूँ। और आई थिंक ओके, कछुए की और रैप्टर की लड़ाई चल रही है। चलो मैं कछुए की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ भाई रैप्टर को मारने में। ओके भाई, रैप्टर ने कछुए को मार दिया। भाई ये रैप्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, कितने लेवल का है ये? 145 लेवल का भाई, क्या ही मार लूँगा मैं इसको। वैसे इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम बची है, लिटरली भाई कोई भी इसको टपका सकता है। चलो एक बार और मर गए हम, भाड़ में गई भाई मेरी इन्वेंट्री। मैं ना जा रहा अभी उस रैप्टर के पास, भाई मैं अपना पैरासोर टेम करने वाला हूँ यहाँ पे बैठ के चुपचाप से। ऑलराइट 87% हो गया है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो ही जाएगा, तब तक मैं अपनी इन्वेंट्री लूट लूँ एक बार। ऑलराइट भाई, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है अपनी इन्वेंट्री लूटने। भाई मैं भी ढीठ हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना मान जाऊँगा हार। ओके, मैंने अपनी इन्वेंट्री लूट ली। और ये रहा भाई रैप्टर का एग, भाई ये उसी को ये रैप्टर प्रोटेक्ट कर रहा था भाई, अपने एग को ही। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी वो मेरे पीछे पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम थी, किसी ने उसकी बैंड बजाया। ओके वो अभी भी यहीं पे है भाई, चलो अच्छा हुआ कि उसने हमें देखा नहीं, वरना भाई फिर से हम मर जाते एक बार। चलो मैं क्या करता हूँ भाई, वापस से डिलोफोसोरस वाला परसूट ऑन करता हूँ, और वापस से हम अपने लिए थोड़े से एरो वगैरह बनाते हैं और भाई मारते हैं अपने डिलोफोसोरस को जल्दी से। ऑल राइट भाई, तो यहीं आसपास एक डिलोफोसोरस है, ये रहा भाई, इसको निपटाते हैं पहले। भाई कितने एरो खाएगा, जल्दी से भाई निपट जाना, भाई तू अब डिस्टर्ब मत करना। ओके, निपट भी गया, अच्छी बात है भाई, ऐसे ही तो चाहिए यार, ऐसे ही जल्दी जल्दी में निपटा लूँ ढेर सारे। ढेर सारे क्या, 3 ही निपटाने हमें, जल्दी से निपटा लेते हैं भाई। और भाई हार्वेस्ट कर लेते हैं यार अपना जो भी हमने शिकार किया है। ऑल राइट भाई, यहाँ पे दूसरा वाला भी हमें मिल चुका है, इसको भी जल्दी से निपटाते हैं। और भाई ये कितने एरो लेगा? ओके ये अच्छा खासा लेवल का था भाई, 90 लेवल का था ये। चलो ये भी निपट गया, अब बचा है भाई हमारा एक फाइनल वाला, ये कहाँ पे होगा? इसको एक बार जल्दी से ढूंढते हैं और देखते हैं भाई क्या मिलता है हमें रिवॉर्ड में। वो भाई साहब कार्नोसोरस यहाँ पे है, वो भाई डिलोफोसोरस भी है। भाई क्या करूँ मैं, उड़ जाऊँ क्या वापस? भाई एक डिलोफोसोरस को मारना है बस, लेकिन कार्नो के हाथों नहीं मरना चाहता भाई, 2 मैंने बहुत मुश्किल से मारे हैं, अगर मैं मर गया तो वापस से 3 मारने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। ऑल राइट भाई, तो हमारा पैरासोर यहाँ पे टेम हो चुका है। और इससे पहले भाई थेरिजिनोसोरस इसको देख ले, मैं इसको चुपचाप से कहीं पे ले जा कर के खड़ा कर देता हूँ भाई अपने बेस के पास, वरना भाई थेरिजिनोसोरस तो इसको इजीली मार देगा। खैर इसको जल्दी से मैं सैडल पहनाता हूँ,
और इसको कहीं सेफ जगह पे मैं रखता हूँ भाई, वरना ये एक ही दिन में हमारा पैरासोर निपट जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। कम से कम 2-3 दिन हमारे पास रहे तो अच्छा लगेगा। मुझे पता है भाई, मैं 2-3 दिन से ज़्यादा इसको नहीं यूज कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इसको जैसे ही बाहर लेकर के जाऊँगा भाई, एक रैप्टर भी अगर सामने आ गया तो फिर मैं नहीं बच सकता गाइस। खैर अभी वो सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो हमने इसको टेम किया है तो थोड़े दिन तक तो इसको यूज़ करेंगे ही दबा के, जब तक हमारे पास कोई तगड़ा वाला डायनो नहीं आ जाता तब तक के लिए एटलीस्ट। चल भाई तू यहीं पे खड़ा रह, मैं तेरे लिए भाई जल्दी से एक सेडल बना लेता हूँ। तो पैरासोर का सेडल 10 लेवल पे, ओके 10 लेवल पे खुलेगा। ऑलराइट, देखते हैं भाई क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके हाइड चाहिए, हाइड तो मेरे पास होगा भाई, हाइड मैंने रखा था। बाकी वुड चाहिए तो वुड मैं इस पेड़ से निकाल लेता हूँ जल्दी से। ऑलराइट अब चलते हैं भाई, हाइड लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। हाइड तो मैंने, हाँ भाई हाइड रखा है, बिल्कुल रखा है भाई, मुझे याद है कि मैंने हाइड रखा था। चलो भाई यहाँ पे सैडल बन चुका है हमारा, और मैं थोड़ा सा वेट अपना कम कर देता हूँ, इजी रहेगा, वरना भाई वो ज़्यादा वेट उठा ना पाए तो मे भी। देखते हैं कितना वेट है इसका। और अभी तक ये टेम हो रहा है भाई, बेरीज इसके पीठ पर से निकल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो भाई हमारा पहला राइडेबल डायनासोर भाई, जिसको हम राइड कर सकते हैं। ओ भाई लुक तो काफ़ी सही आ रही है, और थेरी जिनोसोरस से आगे आगे नहीं जाना है भाई। इसको अगर किसी ने भी देख लिया ना तो इसकी बैंड बजा देंगे लिटरली भाई। ऑल राइट तो ठीक है भाई, स्पीड वगैरह तो वही है अपने पैरासोर के जैसी, मतलब ये भी पैरासोर ही है, स्पीड वगैरह भी ठीक है। मुझे एक डिलोफोसोरस को ढूंढना है ना अभी, एक हमारा आखिरी डिलोफोसोरस बाकी है भाई किल करना। ऑल राइट गाइस, तो हमारा आखिरी डिलोफोसोरस बिल्कुल सामने में ही दिखा रहा है। ओके वो रहा भाई, दिख गया मुझे। चलो भाई जल्दी से इसको मार देते हैं हम लोग, और अपना परसूट कंप्लीट कर लेते हैं भाई। एक हेड मारा है मैंने इसको, लिटरली भाई हेड शॉट मारा मैंने, और देखते हैं भाई कितने एरो मरता है ये। ओके फाइनल एरो, और ये भी यहाँ पे डाउन हो चुका है, और हमारा एक लेवल अप हो गया। ओके इसका भाई भी आ रहा है, तो भाई इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। और फाइनली गाइस हमको यहाँ पे मिल चुका है हमारा क्रॉसबो, क्रॉसबो नहीं बो है, चलो कोई नहीं असेंडेंट का बो है। उससे पहले भाई हार्वेस्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि भाई अपना जो भी हमने शिकार किया उसको जल्दी से हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हेल्थ में लगा देता हूँ, हेल्थ बहुत कम है भाई, रैप्टर वगैरह तो इजीली हमें मार ही दे रहे हैं, तो थोड़ी सी हेल्थ बढ़ाना ज़रूरी है। बाकी भाई इसका डैमेज है 229 का, 229, 300 का डैमेज होना चाहिए था, थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारी किस्मत भी वैसे ही है तो चल जाएगा उतना हमारा। चलो भाई फाइनली अब इसको किसी के ऊपर ट्राई करना है मुझे जल्दी से। भाई कोई भी मुझे दिख जाए अभी मैं उसको इजीली उड़ा दूंगा, बस रैप्टर ना दिखे भाई, रैप्टर को मारना बहुत डिफिकल्ट है भाई। ऑलराइट गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज के लिए यहीं तक रखते हैं भाई। हमने अपने पैरासोर को भी टेम कर लिया, और हमारा जो परसूट था हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। बाकी मैं पैरासोर को यहाँ से अगर गिरा हूँ और मैं कूद जाऊँ तब पैरासोर को डैमेज नहीं होगा, हाँ भाई ये मिथ मुझे याद है। चलो अच्छी बात है भाई, अब हम इसको अपने बेस पर खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ रहेगा भाई। तो चलो भाई आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी भाई मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक और नई वीडियो के साथ भाई आर्क सर्वाइवल की। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।